हम किडजनपीडिया में लेके आए हैं आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज। तो हम लेके आए हैं सोशल साइंस फॉर यू ऑल गाइस। सो हम हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी आपके लिए कवर करने वाले हैं एवरी चैप्टर इन डिटेल। सो या स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी पार्ट वन फ्रॉम हिस्ट्री। अब हमने अपने पिछले क्लास में मुगल्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा, एम आई राइट? मुगल्स, हमने बहुत सारी चीजें मुगल्स के बारे में पढ़ी है। बट इस क्लास में, क्लास 8 में, हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश लोगों के बारे में। ओके, वो कैसे ट्रेड करा उन्होंने, हाउ वर दे रिलेटेड टू मुगल्स, वो कैसे आए थे रूल करने, दोज इयर्स हमने कैसे झेला उन्हें, दोज काइंड ऑफ थिंग्स हम इस क्लास, क्लास 8 में हम पढ़ेंगे। नाउ व्हेन डिड द कंपनी एस्टैब्लिश पावर, कम ऑलवेज मीन कि कंपनी का हमेशा मतलब होता है ब्रिटिश, ठीक है? इफ समवन सेज कंपनी, डोंट स्टे कंफ्यूज कि अच्छा कंपनी होता क्या, कंपनी इज ऑलवेज ब्रिटिश, गॉट इट? सो सीरियसली, कब ब्रिटिश को पावर मिली थी, कब दे थॉट दैट नाउ वी शुड गो एंड रूल इंडिया? लेट मी टेल यू। सो यू नो दैट औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इफ यू डोंट नो, प्लीज राइट इट डाउन, राइट डाउन दीज पॉइंट। सो औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इसके आगे जितने भी उसके सक्सेसर्स थे, दे वर नॉट दैट पावरफुल एज ही वॉज। सो हुआ क्या कि आफ्टर हिज डेथ इन 1707, बहुत सारे जमींदार आए एंड दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर अथॉरिटी इन द इन हिज होल यू नो रीजन जिसने तक कॉन्कर किया। What happened? Result अच्छा नहीं आया। That's why the Britishers thought कि अब तो सही मौका है, we can go and start ruling India. They started ruling and they began to emerge in India from the second half of 18th century. This is the exact जो हमने आपको दिया है, ये they started emerging their power in second half of 18th century. Okay, on second half of 18th century, they started emerging their power. Now, the British only came to India for trading. Starting में ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि starting में India सिर्फ conquer करने के लिए आए थे. No, they came for trading. But slowly, slowly, उनको जब time हो गया trade करते हुए, they thought that India is a country जहाँ उनको बहुत सारे profit मिल सकते हैं. India trading में number one थी that. पीपल यूज टू ट्रेड फ्रॉम इंडिया। दे थॉट कि अगर हम इसको कॉन्कर कर ले तो हमें प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। सो फर्स्ट दे केम फॉर ट्रेडिंग, दे स्टार्टेड यू नो वॉचिंग थिंग्स इन इंडिया हैपनिंग, कौन क्या है, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, एंड देन दे थॉट नाउ लेट्स कॉन्कर इंडिया। एंड व्हेन दे कॉन्कर इट ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। नाउ व्हाट वर द अदर ट्रेडिंग कंपनीज जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकदम टक्कर दी थी? ओके, सो लेट मी टेल यू गाइज, बहुत सारी कंपनीज थी एंड आई एम गोना टेल इन दिस स्लाइड। सो द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड गॉट देयर बेस इन गोवा। सो द पोर्टुगीज, ये एक लाइक कॉम्पिटिटर था फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल्सो नोन एज ब्रिटिशर्स, ठीक है? सो पोर्टुगीज एंड यू नो फ्रेंच, वट वर दे वर ऑल the Dutch, they were all the competitors. These three names, they were the competitors of East India Company. Okay, so Portuguese ne apna kaha banaya present, they made their present on western ghat coast of India, theek hai? Unka base kaha tha, it was in Goa, got it? Next, who discovered the sea route? Bahut important point hai, bahut zyada ये आपके बहुत बार आपने सुना होगा सी रूट, सी रूट। ये हम डिस्कस करेंगे सी रूट किन 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 लोगों के लिए काम आया एंड या ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। बट टिल देन जस्ट नो कि वास्को द गामा वाज द वन हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498। व्हेन? इन 1498। हु इज वास्को द गामा? जस्ट ही इज द वन, ही इज वास्को द गामा, ही डिस्कवर्ड द सी रूट, ठीक है? देन लेटर ऑन द पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच पीपल स्टार्टेड ट्रेडिंग। जस्ट आई हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है? ओके,
So this is a continuation of this. Okay, the urge to secure markets led to fierce battle among the rival companies. Okay, so dekho, obviously, if you give for an example, you are in a classroom and you have three people. अब एक को पिज्जा खाना है, एक को बर्गर खाना है और एक को पास्ता खाना है, ठीक है? What will happen? एक rival battle, एकदम you know एकदम battle हो जाएगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, नहीं हमें पिज्जा खाना है, नहीं हमें बर्गर खाना है, नहीं हमें पास्ता खाना है, तो ये जो kind of battle same एक companies के साथ, but obviously इतने इस reason के लिए तो नहीं हुआ था, but reason हुआ था trading के लिए. India was so known for you know cotton, fabrics and many things. मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ पूरी. That way, that time, like India में लोग ट्रेड करने के लिए battles लड़ते थे. And these rival companies, what were these? They were Portuguese, Dutch and French. Now the East India Company found it difficult to separate trade from politics. ये बहुत बड़ा point है. Start noting this. Okay. Till then, just wait for a minute and start noting this down or take a screenshot. So I think it's done right now. So that was just it for the video. Hope you guys liked it. Like our video and subscribe to our channel. Till then, bye bye.